बताओ मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ। और तुम क्या करती हो जब मेरी याद आती है? मैं भी तुम्हारा पसंदीदा गुटखा खा लेती हूँ। आज हम दोनों की पहली डेट है डार्लिंग, कोई गलती या कमी रह जाए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे बाबा, अभी तो सोकर उठी हूँ, मम्मी ने कॉफी लाकर दी, वही पी रही हूँ अपने बेड पर बैठकर। लेकिन आंटी तो बोल रही थी कि तुम गोबर फेंकने गई हो। क्या तुम जानती हो संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी तक गर्म कर सकता है? हाँ जरूर, क्यों नहीं, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खोल सकता है तो पानी क्यों नहीं। मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं तो दुखी हूँ ही नहीं। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ जानू। जानू देखो मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। तो स्वीट बताओ क्या लाया हूँ? जुआ निकालने वाली कंघी। नू, डैडी मम्मी घर पे नहीं है, आ जाओ कुछ तो नया करेंगे। तो रहने दे कमीने, ऐसे ही तूने एक बार बुलाकर मुझसे सारे गंदे बर्तन और पूरे घर का पोछा लगवाया था। क्या कर रहे हो जानू? मूंगफली खा रहा हूँ। अकेले अकेले? अब क्या 10 रुपए की मूंगफली में भंडारा करूँ क्या? बेबी। हाँ जानू। तुम हमेशा से मेरे साथ थे, जब मेरा वो भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ तब भी, जब मेरे 5वें सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में 0 आए थे तब भी, जब मुझे किडनी में खतरी हुई थी तब भी, और जब मुझे पापा ने गुस्से में बाहर निकाल दिया था तब भी। आई लव यू बेबी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे नहीं रे नहीं, अब तो मुझे लगने लगा है साले तू ही पनौती है। जानू, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। कर दी ना छोटी बात, पगली ये ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जाओ और पर्स ले आ। क्या बात है, तुम्हें आजकल बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आती? जब से फेसबुक चलाना शुरू किया रात की खाई हुई सब्जी याद नहीं रहती, तू क्या खा के याद रहेगी? हेलो बेबी, तुम्हारी याद आ रही थी। अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। अच्छा चलो चलो, पापा आ गए, बाय बाय।